आइए आज हम लोग पल्सर 200 NS का फ्यूल फिल्टर चेंज करते हैं। ये देखिए ये हमारा न्यू है और इसमें हम लोग अभी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिक्की ओपन करना होगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दो नट है जिससे ये फ्रंट सीट खुल जाएगा, उसे ओपन करना है। ये सब हो जाने के बाद हम लोग को टंकी खोलना है। ये टंकी खोलने के लिए साइड में 3 नट है। वो 5 नंबर एलिंग की है और एक यहाँ सामने में है ये वाले। सेम उस तरफ भी 4 है, फ्रंट में ये है, फिर एक यहाँ पे जो छुपे होते हैं उसे तो कैप को खोलना होता है। ये तीसरा और ये चौथा। और ऊपर में वो 2 होते हैं। ये हमारा 5 नंबर कैलम की। फिर उसके बाद टॉप में भी वही सेम एल एन की साइज है, इसको भी खोल लेते हैं। बस हमारा सब कुछ हो गया है, अब बस उसे लिफ्ट करना होता है। बहुत दिनों के बाद खुला है, ये देखिए कितना सारा गंदा। बाप रे बाप। आप जेंटली उसे भींगा कपड़ा से भी पोंछ सकते हैं। अब जो है हम लोग ये साइड वाला जो पैनल होता है ना उसे खोलने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो वहाँ पे ना टैंक वहाँ पे टंकी खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसे भी खोल लेते हैं। उसके बस 2 ही नट है, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग टंकी खोलेंगे यहाँ से।
सबसे पहले इसे खोल लेते हैं, टंकी हम लोग को हटाना है। तो ये जब गाड़ी उल्टी पुल्टी हो जाती है ना, तो एक्स्ट्रा फ्यूल जो होता है ना, वो इसी पाइप से बाहर निकल जाता है। हो, फ्यूल ऑफ करना भूल गया। ये हो गया इंस्टॉल।